है, बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू। लो दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आगे की तस्वीरों में आपने देखा कि बाड़मेर शहर कोतवाल ने ओम प्रकाश को धन्यवाद दिया और उसकी तारीफ भी की। हम चाहेंगे हमारे तमाम दर्शक ओम प्रकाश की हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये खबर हर व्यक्ति तक पहुँचे, ताकि हर व्यक्ति जो है कभी भी ऐसी कोई होता घटना होती है या फिर किसी व्यक्ति की कोई चीज़ गुम होती है तो वो भी अपनी ईमानदारी का परिचय दे सके। दरअसल ओम प्रकाश कल देर शाम को अपने घर जा रहा था, बाड़मेर सिंदरी चौराहे से होते हुए अपने गांव दरूड़ा जा रहा था और इसी दरमियान ओम प्रकाश को बीच रास्ते में एक टेबलेट मिला, इलेक्ट्रिक टेबलेट मिला, जिसको ओम प्रकाश उस व्यक्ति तक पहुँचाना चाहता था। एक दिन तक ओम प्रकाश ने उस व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश की, टेबलेट के अंदर क्वेश्चन वगैरह नहीं होने की वजह से ओम प्रकाश उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाया। तो ओम प्रकाश ने आज सुबह ही बाड़मेर के कोतवाली थाना पहुंचा और वहां पर टेबलेट दिया। और जैसे ही ओम प्रकाश वहां पहुंचा, बाड़मेर शहर कोतवाल को ये टेबलेट दिया, तो बाड़मेर शहर कोतवाल ने भी जमकर ओम प्रकाश की तारीफ़ की और कहा कि ऐसे लोग वाकई में कम होते हैं। किसी व्यक्ति को एक रुपया या दो रुपये लग जाते हैं, दस रुपये लग जाते हैं, तो वो व्यक्ति वापस देने के लिए अपने दिमाग के में कभी नहीं सोचता है। लेकिन आपके जैसे लोग अगर इस दुनिया में हैं तो बहुत कुछ किसी का भला हो सकता है। एक बार इस खबर को शेयर कीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कोतवाली थाने में आज इनको फोन आया आपके पास? हाँ, इनको ने पुलिस वालों ने इन्फॉर्म कराया और हमारे आज को हम काम पे लगे हुए थे, अभी कॉल किया जिस टाइम हमारे देने के लिए आए, तो इनको वापस सौंप दिया। हाँ, इनको वापस सौंप दिया। ईमानदारी का भाई साहब, क्या नाम है और आपका टैब कहाँ खोया था और आज आपको वापस मिला है तो कितनी खुशी है? सर मेरा नाम गमंडा राम है, मैं ओजोन फार्मास्यूटिकल्स में काम कर रहा हूँ। सर मैं कल सिंदरी चौराहे से चौड़ी चौराहे की तरफ जा रहा था, तो मेरा ये पीसी टेबलेट कहीं गुम हो गया था सर। जो मैंने सदर थाने में गया तो उन्होंने बोला कि लॉस्ट आर्टिकल पे कंप्लेंट दर्ज करो, मैंने वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज कराई और फिर उसकी कॉपी मैंने कोतवाल पुलिस थाने में दी। तो कल इन भाइयों को ये टैब मिल गया था और इन्होंने पुलिस थाने में जमा करवा के हमारी ईमानदारी की पर्ची दिया, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ।